नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। हम लोग केमिस्ट्री में अध्याय दो पढ़ रहे हैं, जो है क्या, सॉल्यूशन यानी कि विलयन। और विलयन में हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में बात किया था विलेयता के बारे में कि विलेयता क्या होती है, और उसी में हम लोगों ने जाना था संतृप्त और असंतृप्त विलयन के बारे में। और वहाँ पर हमने बताया था कि विलेयता जो है विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है, विलेय की मात्रा पर। और विलेय की मात्रा कहा जाए तो विलयन की सांद्रता आता है, यानी कि विलेय की जितनी मात्रा अधिक होगी विलयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी, और विलेय की जितनी मात्रा कम होगी विलयन की सांद्रता भी उतनी ही कम होगी। अब विलेय की जो मात्रा होता है वह मोल प्रभाज और मूल लता द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हमने वहाँ पे बताया था कि विलेयता को सदैव मूल लता एवं मूल प्रभास द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विलेयता को सदैव मूल प्रभास एवं मूल लता द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये बात जो है हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में कर लिया था और खूब अच्छे से विलेयता के बारे में वहाँ पर हम लोगों ने सीख लिया था। वहाँ पे हम लोग जो है ये भी जाने थे कि विलयन कितने प्रकार का होता है। तो दो तरह से विलयन को बांटा गया था, एक विलयन में उपस्थित अवयवों की संख्या के आधार पर, और बताया गया कि तीन प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरे को कहा जाता है ट्राइनरी सॉल्यूशन, और तीसरे को कहा जाता है क्वार्टनरी सॉल्यूशन, जिसमें कि हम लोगों के सिलेबस में जो दिया है वह है बाइनरी सॉल्यूशन, और बाइनरी सॉल्यूशन को ही पढ़ना है। ठीक, उसके बाद से विलेयता पदार्थों की अवस्था के आधार पर, पदार्थों की अवस्था के आधार पर विलयन को जो है नौ भागों में बांटा गया, यानी कि विलयन नौ प्रकार के होते हैं। और वहाँ पे हमने बताया था कि ये नौ प्रकार के कौन कौन से विलयन होते हैं, और उसमें जो हम लोगों के सिलेबस में है वह है द्रव विलयन के बारे में, यानी कि जो द्रव विलयन होता है उसी को हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन, और जो होगा इस अध्याय का, जिसमें हम लोग जानेंगे क्या, तो द्रव विलयन के बारे में, द्रव विलयन के बारे में। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर, और अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को अंत तक देखिए, यदि लगे कि हाँ सब कुछ सही है तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। देखिए अब हम देखते हैं क्या, तो विलयन, द्रव विलयन पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली बात कि विलयन, जो विलयन है उसमें हम लोगों को जो पढ़ना है वो है बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाए तो इसमें अवयवों की संख्या होगी दो, यानी कि एक विलेय होगा और दूसरा एक ही विलायक होगा, एक ही विलायक होगा। ठीक, तो बाइनरी सॉल्यूशन में अवयवों की संख्या होती है दो, ये बात हमने कर लिया है। उसके बाद से हमें पढ़ना है क्या, द्रव विलयन के बारे में, द्रव विलयन यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन कब बनता है, तो यह तीन कंडीशनों में बनता है, जब गैस को द्रव में यानी कि जल में मिलाया जाता है तो बनता है गैस द्रव विलयन। ये भी कैसा विलयन होगा, द्रव विलयन होगा, वहाँ पे हमने बताया है, यानी कि गैस लिक्विड सॉल्यूशन। उसके बाद से दूसरा क्या बनेगा, यदि हम द्रव को द्रव में मिलाएं, द्रव को द्रव में मिलाएं तो बनेगा द्रव द्रव विलयन, द्रव द्रव विलयन। ठीक, और द्रव द्रव विलयन में क्या होगा, तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा जो बन जाएगा क्या, तो ठोस द्रव विलयन,
ठोस द्रव बेलन यानी कि सोलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सोलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे गैस द्रव विलयन पढ़ना है, उसके बाद से द्रव द्रव विलयन को पढ़ना है और ठोस द्रव विलयन को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये सभी विलयन द्रव विलयन है। सभी विलयन कैसे हैं? तो द्रव विलयन है। गैस द्रव विलयन में हम लोगों को एक नियम पढ़ना है जो है क्या, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। उसके बाद से द्रव द्रव विलयन में एक नियम पढ़ना है जो है क्या, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। और राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन को दो भागों में पढ़ा जाएगा, एक को कहा जाता है आदर्श विलयन और दूसरे को कहा जाता है अनादर्श विलयन। ठीक, आदर्श और अनादर्श विलयन। तो इतनी बातें हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। किसमें? तो द्रव द्रव विलयन में, द्रव द्रव विलयन में। तब बारी बारी से एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे गैस द्रव विलयन के बारे में, यानी कि गैस लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या, तो पहला गैस द्रव विलयन, विलयन इसको बोला जाता है गैस लिक्विड सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। ये है क्या, तो जब द्रव में गैस को मिलाया जाता है, जैसे कि यह एक विलयन है, यह एक क्या है, तो विलयन है, इसमें जो है ये जल है, ये क्या है, तो जल है, और इसमें जो है गैस मिलाई गई है, ये क्या है, तो गैस है। तो यहाँ पे बनता है क्या, तो गैस द्रव विलयन, गैस द्रव विलयन। इसके जो एग्जांपल है जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, इसमें क्या क्या होता है, तो कोल्ड ड्रिंक में होता है CO2 गैस होती है और उसके बाद से H2O होता है, यानी कि CO2 गैस जल में मिली हुई है, घुली हुई है और बनाती है गैस द्रव विलयन। दूसरी बात कि रिवर वाटर इसमें भी क्या होता है, तो ऑक्सीजन जो होता है वह जल में घुला होता है। फिर इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोगों का ब्लड, यानी कि रक्त, ब्लड, इसमें क्या होता है, तो ऑक्सीजन घुला होता है किसमें, वाटर में, उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन भी होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक, तो ये है क्या द्रव द्रव विलयन, गैस द्रव विलयन के कुछ एग्जांपल। तब इसमें हम लोग कहेंगे क्या, तो इसमें क्या है, तो गैस विलेय है और द्रव क्या होगा इसमें, तो विलायक होगा। द्रव विलायक में गैस क्या है, तो विलेय है, और इसी का एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे जाना। कोल्ड ड्रिंक के बारे में सभी लोग जानते हैं, रिवर वाटर के भी बारे में जानते हैं कि उसमें O2 घुला रहता है, इसीलिए जो है जल में मछलियाँ और जलीय जीव जीवित रहते हैं, क्योंकि जीवों को ऑक्सीजन चाहिए ऊर्जा बनाने के लिए, और यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऊर्जा नहीं बनाएंगे। तो जलीय जीव जो है जल में घुले हुए ऑक्सीजन को लेते हैं अपने शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए। तो ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने जाना क्या, तो गैस द्रव विलयन के बारे में, गैस द्रव विलयन के बारे में। अब कुछ इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं वाष्पीकरण के बारे में, वाष्पीकरण, उसके बाद से आप लोगों ने जाना होगा संघनन के बारे में, संघनन। ये वाष्पीकरण और संघनन है क्या, तो इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमने एक ठोस लिया और इस ठोस को गर्म किया, क्या किया, गर्म किया, तो यह ठोस जो है द्रव में बदल जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बर्फ़ लिया और बर्फ़ को गर्म किया तो यह जल में परिवर्तित हो जाएगा। तो ठोस का द्रव में परिवर्तित होना कहलाता है गलना या पिघलना, क्या, गलना या पिघलना। अब इस द्रव को और अधिक हम गर्म करें,
जैसे कि जल है तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक इसे गर्म करें तो ये जो है बदल जाता है वाष्प में, जल वाष्प में, और इस क्रिया को किसी द्रव का वाष्प में बदलना कहलाता है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। अब जो है हमें यही पढ़ना है कि द्रव का वाष्प में बदलना, ठीक, वाष्पीकरण कहलाता है। दूसरी बात कि जब वाष्प को यदि हम ठंडा करें, क्या करें तो ठंडा करें, तो फिर से वह द्रव में परिवर्तित हो जाएगा और यही क्रिया कहलाएगी किसकी, संघनन की, संघनन की। और यदि ठंडा करेंगे तो ये जो है जल ठीक फिर से ठोस में बदल जाएगा और ये भी क्रिया किसकी होगी, संघनन की होगी। ये जो है आप लोगों ने पिछले क्लास में जाना होगा खूब अच्छे से कि वाष्पीकरण क्या होता है और संघनन क्या होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग गैस द्रव विलयन की, गैस द्रव विलयन की। तो जैसे कि ये गैस है, क्या है तो यह एक गैस है, इसको जो है हम लोग गर्म करें यानी कि ताप को बढ़ाएं, ताप को यदि बढ़ाएंगे तो गैस के अणुओं के बीच की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है, गैस के अणुओं के बीच की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है तो बढ़ जाती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होती है कैसे, तो देखिए ये जो है एक द्रव गैस विलयन है, तो जो जल के कंटेक्ट में है, द्रव के कंटेक्ट में है गैस के अणु, यहाँ पर ये तो इतनी आसानी से बाहर नहीं होंगे जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो, लेकिन ऊपर के जो गैस होंगे आसानी से किस में परिवर्तित हो जाएंगे तो बाहर रिमूव कर जाएंगे, आसानी से क्या हो जाएंगे तो बाहर रिमूव कर जाएंगे। तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि गैस के अणुओं में जब हम लोग गर्म करते हैं तो उनके बीच की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और जिस कारण कि वे बाहर निकल जाते हैं, ठीक। यदि हम क्या करें तो इस पर दाब आरोपित करें, क्या विलयन यही है, विलयन तो वही होगा गैस द्रव वाला, यदि हम इस पर क्या लगाएं, पिस्टन से दाब लगाएं, पिस्टन से जो है प्रेशर लगाएं, जब दाब लगाते हैं तो ये जो गैस के अणु है वो क्या होते हैं कि बहुत ही पास पास आ जाते हैं और प्रवस्था चेंज कर जाते हैं कुछ इस तरह से, यहां तक हमने क्या किया तो दाब आरोपित किया, पिस्टन से दाब लगाया, जिस कारण से क्या होते हैं कि गैस के अणु जो होते हैं बहुत ही पास पास हो जाते हैं, यानी कि द्रवित हो जाते हैं, यानी कि गैस के अणुओं पर यदि हम क्या कर रहे हैं, दाब को बढ़ा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, तो गैसें क्या हो जाती हैं तो द्रवित हो जाती हैं, गैसें क्या हो जाती हैं द्रवित, और द्रवित का मतलब कि वह द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं, और जैसे ही गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं वह जल में घुल जाती हैं, जल के साथ मिल जाती हैं और बना लेती हैं विलयन, कैसा तो गैस द्रव विलयन, किस तरह का विलयन बन जाता है तो गैस द्रव विलयन। तो गैस का द्रव में परिवर्तित होना यानी कि दाब बढ़ाते हैं तो द्रव में परिवर्तित होता है और इस क्रिया को कहा जाता है संपिंड्यता, संपिंड्यता इसे कहा जाता है क्या तो संपिंड्यता। इतनी बात आई समझ में, तब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें विलयन किस तरह से बना। तो देखिए अब जो है विलयन में एक विलायक है द्रव के रूप में और गैस भी द्रव हो गई और इस कारण वह जो गैस है द्रव के रूप में द्रव में आसानी से घुल जाती हैं, यानी कि द्रव में घुल जाएगी, घुल जाएगी। इतनी बात आई समझ रहे कि गैस जो है द्रव में क्या हो जाएगी तो घुल जाएगी। जैसे कि यहां पर जो है, जैसे कि यहां पे ये जो है जल है, ये क्या है तो जल है और उसके बाद से ये गैस है, ये द्रव है और ये क्या है तो गैस है, और ऊपर से हम लोग जो है दाब आरोपित किए, ये संघनन हम लोगों ने जान लिया है, दाब आरोपित हम लोग करें
दाब आरोपित करें तो क्या होगी, गैस जो है द्रवित हो जाएगी, अभी हमने जाना, और ये आसानी से एक दूसरे में मिल जाएगी। तब इसकी विलेयता की बात करते हैं क्या, तो सामान्यतः सभी गैसें जल में घुलनशील होती हैं, सामान्यतः जो सभी गैसें होती हैं। आइए इसकी विलेयता की बात करते हैं, तो क्या होगा विलेयता, तो जितनी भी गैसें हैं सभी द्रव में विलेय होती हैं, परंतु इनकी मात्रा जो है दाब पर निर्भर करता है, कितना दाब अधिक है और कितना दाब कम है, यानी कि विलेयता जो होती हैं वह दाब बढ़ाने पर विलेयता क्या होती हैं तो बढ़ती हैं, दाब बढ़ाने पर विलेयता क्या होती हैं तो बढ़ती हैं, क्या होता है तो दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। ठीक, इतनी बात आई समझ में कि जब हम दाब बढ़ाते हैं तो गैसों की विलेयता द्रव में क्या होती है, बढ़ती है। जैसे कि CO2 गैस का हम लोगों ने आप एग्जांपल लिया, दाब अधिक बढ़ाते हैं तो वह जल में घुल जाता है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक में खुले हुए अवस्था में रहता है। उसी तरह से ऑक्सीजन जो है जल में रिवर वाटर में क्या होता है तो घुला हुआ होता है। ये सारे एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पे विलेयता के बारे में हम लोगों ने जाना क्या कि विलेयता क्या होगी, किसी भी गैस का द्रव में तो दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, दाब बढ़ाने पर विलेयता क्या होती हैं तो बढ़ती हैं। ठीक, इतनी बातें आई समझ में। अब हम जानेंगे कि गैस द्रव विलयन की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैस द्रव विलयन की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, अब हम जानेंगे क्या, तो गैस द्रव विलयन की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है, क्या मतलब कि गैस द्रव विलयन की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ये जान लेते हैं। तो कौन कौन से कारक होंगे जो कि गैस द्रव विलयन की विलेयता को प्रभावित करेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे हम गैस की प्रकृति, तो यहाँ पे जो है गैस की प्रकृति क्या होगा, तो अभी हम लोगों ने जाना कि यदि गैस जितनी अधिक द्रवित होगा विलेयता उतनी ही अधिक होगी, विलेयता क्या होगी उतनी ही अधिक होगी, जितनी अधिक गैस द्रवित होगी विलेयता भी उतनी ही अधिक होगी, और जितनी कम द्रवित होगी यानी कि द्रव में परिवर्तित होगी विलेयता भी उतनी ही कम होगी। ये बात हम लोग जान चुके हैं, तो ये जानना है, तो ये जो है गैस है, ये गैस है और यह द्रवित होगी और अद्रवित हुई, अद्रवित, तो जो द्रवित अवस्था होगा जब ध्रुवीय गैस हो, क्या हो ध्रुवीय हो, तब वह गैस द्रवित होंगी, अधिक द्रवित होंगी, और यदि अद्रवित का मतलब कि अध्रुवीय गैस हो, अध्रुवीय गैस के अणु हो तो कम द्रवित होंगी यानी कि वह अद्रवित होंगी। अब बात कर लेते हैं ध्रुवीय की, जैसे कि HCl है, HF है, CO2 है। देखिए, तो कहने का क्या मतलब कि जब वे गैसें जो भिन्न परमाणुओं से बने हो, एक ही परमाणु से नहीं, समान परमाणु से नहीं, जैसे कि यहाँ पे HCl है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना, तो इसमें एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और दूसरे की अधिक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, इस कारण से क्या होता है कि इनके बीच जो बंध है, बंध वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर आकर्षित होता है, जिस कारण क्लोरीन जो है पार्शियल माइनस चार्ज बनाता है यानी कि डेल निगेटिव बनाता है, और
इस परिस्थिति में अब इस पर क्या चार्ज बन जाएगा, तो डेल पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा, डेल पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आयन उत्पन्न हुए और आयन के कारण इसमें ध्रुवता आती है और ऐसे ही पदार्थ ध्रुवीय पदार्थ कहलाते हैं। तो ऐसी गैसें ध्रुवीय होती हैं और ये क्या होती हैं, आसानी से जल में या द्रव में घुल जाती हैं। ये क्या होती हैं, तो आसानी से जल में या द्रव में घुल जाती हैं और इन्हीं को कहा जाता है ध्रुवीय गैसें या द्रवित गैसें। अद्रवित की बात करते हैं, अद्रवित की, तो अद्रवित में क्या होता है कि जब गैस क्या हो, समान परमाणुओं से बनी हो, जैसे कि H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, समान परमाणुओं से बनी हो। तो इस परिस्थिति में जैसे कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन लेते हैं, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच ये बंद होगा, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो बराबर है, तो क्या होगा, ये साझेदारी का इलेक्ट्रॉन किसी ओर भी आकर्षित नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे जो है आयन नहीं बनेंगे, यानी कि यहाँ पे धनायन या ऋणायन बनने की संभावना नहीं है। और ऐसे ही पदार्थ जो है अध्रुवीय कहलाते हैं और अध्रुवीय गैसें जो होती हैं अद्रवित होती हैं। तो बात समझ में आया कि जो गैसें द्रवित होती हैं यानी कि अध्रुवीय होती हैं, वे द्रव में आसानी से घुल जाती हैं, यानी कि उसकी विलेयता उतनी ही अधिक होती हैं। तो लिख लेंगे कि जो गैसें द्रवित होती हैं अर्थात ध्रुवीय हैं, उनकी विलेयता उतनी ही अधिक होती हैं। जो गैसें द्रवित होती हैं अर्थात ध्रुवीय हैं उनकी विलेयता उतनी ही अधिक होती है। यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को ले लेंगे, क्या एग्जाम्पल उदाहरण हो जाएगा ये। उसके बाद से दूसरी बात कि जो गैसें अद्रवित होती हैं, इसका क्या मतलब, अर्थात अध्रुवीय हैं, उनकी विलेयता द्रव में क्या होती हैं, तो कम होती हैं, उनकी विलेयता कम होती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो दोनों बातें यहाँ पे आपने समझ लिया कि ध्रुवीय गैस क्या होती हैं और अध्रुवीय गैसें क्या होती हैं। तो जो ध्रुवीय गैसें होती है वो जल में या द्रव में उनकी विलेयता अधिक होती हैं, और जो अध्रुवीय होती हैं उनकी विलेयता जो होती है क्या होती हैं, तो कम होती हैं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। क्या अपवाद है, यहाँ पे जो है एक एक्सेप्शन है यानी कि अपवाद है। क्या अपवाद है कि जो गैसें द्रव में जल में हाइड्रोजन बंध बना लेती हैं या किसी अन्य आकर्षण के साथ द्रव के यानी कि जल के अणुओं के साथ मिल जाती हैं, उनकी विलेयता सबसे ज़्यादा होती हैं, यानी कि द्रव में जो हाइड्रोजन बांड बनाती हैं उनकी विलेयता सबसे अधिक होती है। इतनी बात याद रखिएगा, जो जल में क्या करती हैं, हाइड्रोजन बांड बनाती हैं, उनकी विलेयता सबसे अधिक आती हैं। और इस पर जो है क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड एग्जामिनेशन हो या नीट हो या किसी अन्य कोई भी एग्जाम हो, उसमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। कैसा क्वेश्चन पूछेगा, तो एक क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इतनी बात आई समझ में, तो इसको अब हम मिटाएंगे। चलिए क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, तो HF तथा SO2 में H2O विलायक में
किसकी विलेयता अधिक होगी? क्वेश्चन है HF तथा SO2 में H2O विलायक में यानी कि जल विलायक में किसकी विलेयता सबसे अधिक होगी और क्यों अधिक होगी और क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है यहाँ पे। क्या तो हाइड्रोजन HF है तथा SO2 हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है ये। तो इसमें जो है पूछ रहा है कि किसकी विलेयता सबसे अधिक होगी दोनों को जल में मिलाया जाए तो सबसे पहले HF का यहाँ पे हम बना लेते हैं H और F। यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी इसलिए ये बनाएगा डेल क्या तो माइनस चार्ज और ये बनाएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। अभी हमने इस पर चर्चा किया है। अब बात कर लेते हैं SO2 में तो ये है S और ये है O। तो यहाँ पे S जो है डेल पॉजिटिव चार्ज बनाता है और ऑक्सीजन डेल नेगेटिव चार्ज बनाता है। उसके बाद से H2O है तो यहाँ पे है ऑक्सीजन और ये है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो यहाँ पे ये बनाता है डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव बनाएगा और ये जो है डेल पॉजिटिव और डेल पॉजिटिव ठीक। अब यदि HF को जल में घोला गया तो ये जो फ्लोरीन है इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा जिसे कहा जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर इसका भी ऑक्सीजन यदि SO2 को जल में घोला जाए तो इसका भी ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा जिसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे दोनों ध्रुवीय है और दोनों बना रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बना रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे किसके हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? तो देखिए यहाँ पे जो फ्लोरीन होता है ना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे? ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। इस कारण जो फ्लोरीन का हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या होगा? ज़्यादा अस्थाई होगा यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा अस्थाई होगी। इतनी बात आई समझ में? तो इस कारण जो है क्या होगा HF की विलेयता जिसकी हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक उसकी विलेयता क्या होती है तो अधिक होती है। अभी हमने बताया तो यहाँ पे HF की जो विलेयता होगी वह SO2 से अधिक होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस से अधिक होगी। यानी कि विलेयता क्या होती है? विलेयता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है हाइड्रोजन बॉन्ड। HB बोले तो हाइड्रोजन बंध। तो जो विलेयता होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है यानी कि समानुपाती होती है। तब इसका आंसर हो जाएगा क्या SO2 तथा HF दोनों ही जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, बनाए ही है यहाँ पे हमने दिखाया दोनों ही हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। लेकिन HF की विलेयता SO2 से ज़्यादा होती है क्योंकि F की विद्युत ऋणात्मकता, इस फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से अधिक होती है। बात समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और दूसरा प्रभाव जानेंगे, दूसरा प्रभावित करने वाला कारक जो होगा क्या, ताप का प्रभाव। और दूसरा हो जाएगा ताप का प्रभाव। समझ लेते हैं ताप के प्रभाव के बारे में कि ताप क्या है। तो ये हम लोगों का जो है एक द्रव गैस विलयन है। क्या है? तो द्रव गैस विलयन है। देखिए यहाँ पे द्रव गैस विलयन है
ठीक। तो जो द्रव के कंटेक्ट में है गैस के अणु, वे तो घुलनशील है, वे तो जल में द्रव में क्या है घुलनशील है, लेकिन ऊपर वाले जो अणु है गैस के वह घुलनशील ज़्यादा घुलनशील नहीं है। इस परिस्थिति में क्या होगा कि यदि हम ताप बढ़ाएं, ताप को क्या करें बढ़ाएं, तो ये जो गैस के अणु होंगे वो इस बेलियन से बाहर निकल जाएंगे, या डायरेक्ट हम इसे कह सकते हैं क्या, तो ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण उसकी जो विलेयता भी होगी वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। यानी कि क्या मतलब कि ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता कम होती है, ताप बढ़ाने पर क्या होती है तो विलेयता कम होती है। तब इसको लिख सकते हैं जो ताप होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, तो विलेयता का। ताप जो है टेम्परेचर जो है विलेयता का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है तो घट जाती है, यानी कि घटती है। क्यों? क्योंकि गैस के अणुओं के मध्य कौन सी ऊर्जा, तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ठीक। तो इसी कारण जो है क्या होती है, ताप बढ़ेगा तो विलेयता क्या हो जाएगी, विलेयता जो है कम हो जाएगी। अब अगला हम लोग जानेंगे दाब का प्रभाव, तीसरा। तीसरा हम लोग जान लेते हैं क्या, तो दाब का प्रभाव। और इसी पर एक नियम आएगा जो है क्या, हेनरी का नियम। यानी कि दाब का प्रभाव। ठीक। तो दाब का प्रभाव है क्या, इसे हम लोग जान लेते हैं, और इसी में हम लोग जानेंगे किसका, तो हेनरी का नियम। जैसे कि यह एक विलयन है गैस और द्रव का विलयन है। ठीक। ये जो है एक विलयन है जिसमें कि ये जो है H2O है और ये जो है क्या है गैस है। इस पर जो है ऊपर से यदि हम दाब आरोपित करते हैं, बताया गया है यदि हम दाब लगाते हैं पिस्टन की सहायता से, दाब को बढ़ाते हैं तो यह गैस क्या होती है द्रवित होने लगती है, यानी कि दाब बढ़ाने पर गैसें क्या हो जाती हैं द्रवित हो जाती हैं, यानी कि द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं। इस कारण क्या होता है कि द्रव के संपर्क में, जल के संपर्क में अब ये द्रव गैसें आएंगी तो घुल जाती हैं, यानी कि दाब बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है तो बढ़ती है, दाब बढ़ाने पर विलेयता जो है बढ़ती है। और इसी को काउंट करने के लिए, इसी की गणना करने के लिए हेनरी ने एक नियम दिया था जिसको कहा जाता है हेनरी का नियम। उन्होंने बताया कि किसी गैस की विलेयता मोल प्रभाज पर डिपेंड करती है, किस पर, तो मोल प्रभाज पर। किसी गैस की जो विलेयता होती है वह किसी गैस की विलेयता किस पर डिपेंड करती है, तो मोल प्रभाज पर निर्भर करती है, मोल प्रभाज पर निर्भर करती है। तो उन्होंने इसी के आधार पर नियम दिया जिसको कहा जाता है हेनरी का नियम। क्या कहा जाता है, तो हेनरी का नियम। और इसमें कहा कि गैसों द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित दाब, विलयन के मोल प्रभाज के समानुपाती होते हैं। हेनरी का नियम कहता है क्या,
गैसों द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित दाब, ये दाब कौन सा होगा? तो आंशिक दाब, यानी कि गैसों द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित दाब विलयन के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्या मतलब कि जो गैसों द्वारा द्रव की सतह पर, ये जो द्रव की सतह है, गैस द्वारा जो आरोपित दाब होता है, ऊपर से दाब लगाएंगे तो ये गैस जो है क्या करेंगे, द्रव की सतह पर दाब आरोपित करेंगे, उसी दाब को कहा जाता है आंशिक दाब, और जो होता है विलयन के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, जो होता है क्या, विलयन के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब देखिए, ये जो गैस है वह दाब आरोपित कर रहा है P, और विलयन का जो मोल प्रभाज उसको जो है X द्वारा प्रदर्शित करते हैं, किसके द्वारा, तो X के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हुआ, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है दाब, तब इसको हम लोग लिख सकते हैं अर्थात P समानुपाती X लिखा जा सकता है, P समानुपाती X ऐसे लिखा जा सकता है, या इसको लिख सकते हैं कि गैसों का आंशिक दाब जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X के, यानी कि मोल प्रभाज के। इतनी बात क्लियर है कि जो X होता है आंशिक दाब, वह मोल प्रभाज का समानुपाती होता है, क्या होता है, तो समानुपाती होता है। अब जो है इसी को, इस समानुपात के चिन्ह को हटाने के लिए हमें स्थिरांक लेना पड़ता है, यानी कि P = हो जाएगा KHx, P = हो जाएगा KHx। अब जो है यहाँ पर KH क्या है, यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं P क्या है, तो आंशिक दाब है, गैस जो सतह पर दाब लगा रहे हैं वही क्या है, आंशिक दाब है। उसके बाद से X क्या है, तो X जो है मोल प्रभाज, और यहाँ पे KH क्या है, तो हेनरी स्थिरांक। KH क्या है, तो हेनरी स्थिरांक है। ठीक, इतनी बातें आई समझ में, तब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और बातों को इसमें हम जानेंगे हेनरी के नियम में। इसको मिटा देते हैं। क्या तो हेनरी के नियम से तो हेनरी के नियम में हम लोगों ने जाना क्या, तो P = KHx यही हम लोगों ने जाना। अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया कि जो मोल प्रभाज होता है वह दाब के समानुपाती होता है, किसके, तो मोल प्रभाज किसके समानुपाती होता है, तो दाब के। अब जो है दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, दाब बढ़ाने पर क्या होती हैं, विलेयता बढ़ती हैं, तब इसको लिख सकते हैं मोल प्रभाज समानुपाती क्या, विलेयता। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि मोल प्रभाज बढ़ाने पर विलेयता क्या होती हैं, तो बढ़ती हैं। ठीक, इतनी बातें आई क्लियर। तो अब यहाँ पे जानेंगे हेनरी के नियम से, जो P = होता है KHx अभी हम लोगों ने निकाला, यदि P नियतांक हो, तब हो जाएगा क्या, KHx = नियतांक, यही होगा। यदि P क्या हो, यहाँ पे नियतांक हो, तो हो जाएगा KH = क्या चीज, तो नियतांक होगा। तब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात
मूल प्रभास बराबर होता है वन अपान क्या, तो तब हम लोग इसे लिख सकते हैं क्या, तो के एच समानुपाती वन अपॉन एक्स। तब हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स इज इक्वल टू एक्स समानुपाती एक्स व्युत्क्रम किसका, तो के एच का, यानी कि हेनरी स्थिरांक का, यानी कि मोल प्रभास जो होता है हेनरी स्थिरांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल प्रभास व्युत्क्रम हेनरी स्थिरांक, ठीक। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो मोल प्रभास व्युत्क्रम होता है हेनरी स्थिरांक के, किसके, तो हेनरी स्थिरांक के। तब हम लोग यहाँ पे जाने क्या, यदि हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मूल प्रभास कम होगा, क्या होगा, मूल प्रभास कम होगा तो विलेयता भी क्या होगी, विलेयता भी कम होगी, ठीक। अतः हम कह सकते हैं, अतः जो के एच है वह ताप दोनों समान प्रकृति के होते हैं, समान प्रकृति के होते हैं। ताप भी बढ़ाते हैं तो विलेयता कम होती है, तो के एच भी बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए क्या होते हैं, के एच और टी यानी कि टेम्परेचर दोनों जो है समान प्रकृति के होते हैं। अब हम लोग जानेंगे आंशिक दाब व मूल प्रभास के मध्य ग्राफ, आंशिक दाब व मूल प्रभास के मध्य ग्राफ, इसे भी जान लेते हैं। आंशिक दाब पी व मूल प्रभास के मध्य ग्राफ, मूल प्रभास के मध्य ग्राफ। तो हम लोगों ने हेनरी के नियम से जाना क्या, तो पी इज इक्वल टू आंशिक दाब इज इक्वल टू के एच एक्स, के एच एक्स यह जो है लागू होता है किस पर, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे इसको जो है समीकरण एक मानते हैं और इसको जो है समीकरण दो मानते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण एक व दो की तुलना करने पर तो इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, तो ये जो है आपका P हो जाएगा, ये जो है एक से यानी कि मोल प्रभास और उसके बाद से ये जो लाइन जाएगी, क्योंकि ये C है और C का मान जो है यहाँ पे क्या है, जीरो है, और ये क्या है, तो प्रवणता है, प्रवणता और प्रवणता क्या है, तो के एच है, और यही क्या होगा, तो आंशिक दाब व मूल प्रभास के मध्य ग्राफ होगा, यही क्या होगा, तो आंशिक दाब व मूल प्रभास के मध्य ग्राफ होगा, ठीक। आगे हम बढ़ जाते हैं और आगे जानेंगे हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, यानी कि हेनरी के नियम का कहाँ कहाँ पे प्रयोग है, तो सबसे पहली बात कि कोल्ड ड्रिंक की विलेयता में, इसमें तो कोल्ड ड्रिंक की
ड्रिंक की विलेयता में, विलेयता में कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है तो CO2 होता है और वाटर होता है, यानी कि जल में CO2 क्या होता है, विलेय होता है। अब यहाँ पे आंशिक दाब जो है क्या है, तो आंशिक दाब जितना अधिक होगा CO2 उतना ही अधिक क्या होगा, विलेय होगा, यानी कि दाब पी जितना अधिक होगा CO2 H2O में उतना ही अधिक क्या होगा, विलेय होगा। और यह जो है हेनरी के नियम से ही यह सिद्ध किया जाता है। दूसरी बात कि गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर में हीलियम गैस के मिश्रण रखते हैं, क्यों? गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में हीलियम गैस का मिश्रण रखते हैं। ऐसा क्यों? क्यों तो हेनरी के ही नियम से होता है। ऐसा क्यों होता है तो कहने का मतलब है कि दाब यदि अधिक होगी तो क्या होगा, विलेयता भी बढ़ेगी। तो गोताखोर जो है अपने साथ O2 गैस सिलेंडर में H2 गैस का मिश्रण लेकर के जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दाब अधिक करने पर विलेयता बढ़ती है, और यह जो है हेनरी के नियम पर लागू होता है। और इसलिए जो है गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन गैस के साथ गैस सिलेंडर में हीलियम गैस लेकर के जाते हैं, क्योंकि जल में दाब बढ़ जाती है। आगे जान लेते हैं क्या, तो पहाड़ों पर खाना प्रेशर कुकर में देरी से पकता है, क्यों? हेनरी के नियम से ही है, पहाड़ों पर खाना प्रेशर कुकर में देरी से पकता है, क्यों? देखिए ऊंचाई पर जाते हैं तो दाब बढ़ता है, और गैस क्या होती है, दाब बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगी, यानी कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो बढ़ेगी। और इस कारण क्या होता है कि वह गैस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और जिस कारण प्रेशर कुकर में खाना देरी से पकता है। कहाँ पे? तो ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं। तो फिर ये जो है क्या था, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग था। अब जान लेते हैं हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम की क्या क्या सीमाएं हैं, ठीक? तो हम लोगों ने यहाँ पे जाना क्या कि यदि ताप बढ़ाते हैं तो KH भी बढ़ता है, क्योंकि दोनों एक ही प्रकृति के होते हैं। यदि टेम्परेचर क्या करेंगे, कम करेंगे, तो हेनरी स्थिरांक भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दोनों एक ही प्रकृति के होते हैं। अब हम इसके सीमाओं के बारे में जान लेते हैं। तो गैसों का दाब एवं ताप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या मतलब यहाँ पे, यदि दाब ज़्यादा होगा तो विलेयता ज़्यादा होगी, और ताप ज़्यादा होगा तो विलेयता कम होगी, यहाँ पे हमने दर्शाया हुआ है। तो गैसों का दाब और ताप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो यहाँ पे देखिए, यदि ताप ज़्यादा कर देंगे तो कोल्ड ड्रिंक में CO2 नहीं घुल पाएगा, तो ये क्या है, हेनरी नियम की सीमाएं हैं। दूसरी बात कि गैसें एक दूसरे से रासायनिक क्रिया न करें, ऐसी गैसें होनी चाहिए जो जल के साथ, गैसें एक दूसरे से रासायनिक क्रिया न करें, ठीक। यदि गैस जो है जैसे कि ऑक्सीजन है, हीलियम से क्रिया कर लेगा तो क्या होगा,
गोताखोर को उचित ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो क्या मतलब, गैसें जो होंगी एक दूसरे से क्रिया नहीं करने वाली होनी चाहिए, यानी कि निष्प्रभावित होनी चाहिए। यदि एक दूसरे से रिएक्शन करेंगी तो वहाँ पे कुछ और भी बन सकता है। इसका और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अमोनिया गैस है और इसको जो है H2O में घोला गया तो यह रिएक्ट कर लेती है, क्या कर लेती है, क्रिया कर लेती है, और जिस कारण बना लेती है NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेती हैं। ठीक, तो गैसें जो है एक दूसरे से क्रिया करने वाली नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन भी क्या होता है, तो H2O से क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है, क्रिया कर लेता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, तो गैसें ऐसी होनी चाहिए कि जो कि एक दूसरे से रिएक्ट ना करें, क्रिया ना करें। तो यहाँ पर हम लोगों ने हेनरी नियम को कंप्लीट कर लिया है। अब जो है इसके आगे का जो टॉपिक होगा पढ़ा जाएगा द्रव द्रव विलयन और ठोस द्रव विलयन के बारे में, वहीं पर राहुल के नियम के भी बारे में चर्चा होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।